Welcome to the channel called The Bio World, and welcome to the trick number two. Trick number two, we're going to talk about biology trick. Biology trick number two is called clotting factors. आपको सभी को मालूम है clotting factor exactly होता क्या है? जब भी बॉडी में कट हो जाता, सुनो ना अच्छे से, जब भी बॉडी में कट हो जाता, ब्लड देखो बहता ही जाता. After some time ब्लड का बहना बंद हो जाता, और ब्लड को बहने के बंद होने के कंडीशन को हम लोग क्लॉटिंग बोलते हैं, है ना? आप ऐसा समझिए कि अगर ये ब्लड का बहना बंद नहीं हो पाता तो फिर क्या हो जाता. तो आगे सुनिए, जब भी बॉडी में कट हो जाता, ब्लड बहता जाता, फिर एक ऐसा वक्त आता कि आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता. जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता, उसका इफेक्ट आपके ब्लड प्रेशर पे नजर आता, ब्लड प्रेशर भी देखो कम हो जाता, और आप मर जाते, क्योंकि आपके ब्रेन, आपके एसेंशियल ऑर्गन्स, आपके किडनी को जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता, है ना? तो क्लॉटिंग, बॉडी में जो कट है वो चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, दोनों ही कंडीशन में ब्लड का क्लॉट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. और इसलिए आज का जो बायोलॉजी का ट्रिक है वो है क्लॉटिंग फैक्टर. क्लॉटिंग फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को जमा होने में या क्लॉट होने में रोल प्ले करते हैं. अब ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये 13 फैक्टर्स होते हैं. देर आर 13 टोटल 13 फैक्टर्स जो एक सिंपल से क्लॉट होने के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं, है ना? तो ये 13 फैक्टर्स का नाम आपको इसी ऑर्डर में याद करना होता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई हियर कम्स द रोल ऑफ द बायो वर्ल्ड. वी गोना टॉक अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना? क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो ट्रिक है वो ये है. Foolish people try climbing long slope after Christmas. Some people have fallen. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. Foolish people try climbing long slope after Christmas. Some people have fallen. है ना? मैं एक बार लिखता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Foolish people try climbing long slope after Christmas. Some people have fallen. अब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने फैक्टर नंबर 6 के आगे कोई ट्रिक नहीं लिखा. जो फैक्टर नंबर 6 है, इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड. ये एक हाइपोथेटिकल है. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये फैक्टर है ही नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये फैक्टर हाइपोथेटिकल है, है ना? तो जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको सेम अप्लाई करना है, लेकिन फैक्टर नंबर 6 के आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है. यू डोंट हैव टू राइट. Why you don't have to write? Because भाई factor है ही नहीं ना, hypothetical factor है, अब तक निकाला नहीं गया है. कुछ लोग बोलते कि है ही नहीं, तो आप यहाँ पे trick apply नहीं करने का. Foolish people try climbing long slope, jump करने का, long slope, factor number 7 पे jump करने का. After Christmas some people have fallen, है ना? अब हम लोग सीखते हैं कि इनके नाम कैसे हैं. तो factor number 1 F से स्टार्ट होता है. फैक्टर नंबर 1 का नाम है फिब्रिनोजन. फैक्टर नंबर 2 है, उसको हम लोग P से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन. फैक्टर नंबर T है, T से स्टार्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. फैक्टर नंबर क्लाइंबिंग, फैक्टर नंबर 4 C से स्टार्ट होता है, इट इज नथिंग बट द कैल्शियम. देन फैक्टर 5 इज कॉल्ड लबाइल फैक्टर. लबाइल फैक्टर को हम लोग प्रो एक्सेलिन भी बोलते हैं. प्रो एक्सेलिन इसका दूसरा नाम. फैक्टर नंबर 6 अब्सेंट है, है ना? ये एक हाइपोथेटिकल फैक्टर है. सो दिस इज हाइपोथेटिकल फैक्टर अब्सेंट. देन स्लोप इज कॉल्ड स्टेबल फैक्टर. ए का मतलब होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. इट इज कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A. Then there is a Christmas factor. यहाँ पे A का मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, C का मतलब होता है क्रिसमस फैक्टर. ये जो क्रिसमस फैक्टर है, इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, दैट इज PTC.
यस सर, इसको हम पीटीसी बोलते हैं। ये फैक्टर जो है ना, फैक्टर नंबर क्रिसमस फैक्टर, इसका तीसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। तो ये सभी जो नाम है ना, ये इसी फैक्टर के नाम है, फैक्टर नंबर 9 के नाम है। उसके बाद आता है सम, थ्रू आर्ट प्रॉवर फैक्टर, थ्रू आर्ट प्रॉवर फैक्टर। देन आता है पी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन अब इसका नाम आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसीडेंट। यस सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं PTA, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसीडेंट है, ये PTC और ये PTA है। इसी का दूसरा नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, हीमोफिलिक फैक्टर सी, सी बोलते हैं। S का मतलब होता है हेजमैन फैक्टर, F का मतलब होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर का दूसरा नाम भी है लकी लॉरेंट फैक्टर। सो इसका दूसरा नाम है ऑब्लिक लकी लॉरेंट फैक्टर। अब हम लोग कुछ नीट अलर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये पार्टीशन थोड़ा क्लियर होना चाहिए पहले से, इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, और वो हम ग्रीन मार्कर से बात करेंगे। आपने ये सुना होगा कि विटामिन के प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। आपको क्लॉटिंग का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया है, अगर आपके बॉडी में क्लॉट नहीं हो गया तो तुम मर जाओगे, है ना? तुम्हारा ब्लड बहता जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, देन यू विल डेफिनेटली डाई। इसका मतलब क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लॉटिंग होने के लिए 3 to 8 minutes लगता है ना? दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम। ये आपके बॉडी का नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम है 3 to 8 minutes क्लॉटिंग टाइम है। ये क्लॉटिंग टाइम रहता है, ये क्लॉटिंग टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सर्जरी होती है आपके बॉडी की, कोई भी एनी माइनर सर्जरी ऑल्सो, तो हम लोग क्लॉटिंग टाइम कैलकुलेट करवाते हैं। अगर ये क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है, मतलब ये 8 to 10 है या 8 to 15 हो गया, इसका मतलब आपका ब्लड क्लॉट होने में कम समय ले रहा है। ब्लड क्लॉट होने में कम समय लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सर्जरी करते वक्त एक छोटा सा भी कट किया तो क्लॉट होने में टाइम लगेगा, मतलब ब्लड ज्यादा बहेगा तो यू कैन डाई, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्लॉटिंग टाइम 3 to 8 minutes ही होना चाहिए, या इस रेंज में होना चाहिए। अगर इस रेंज में ये नहीं है तो आप में जो फैक्टर की कमी है वो अप्लाई करना होता है, या इफ सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, तो हम एक्सटर्नल क्लॉटिंग फैक्टर्स को जमा करके रखते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम जमा करके रखते हैं ऑलरेडी बिफोर सर्जरी। तो ये क्लॉटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लॉटिंग टाइम एक नॉर्मल इंसान का 3 to 8 minutes होता है, और अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर की कोई कमी हो जाए तो आपका ब्लड सही समय पे या करेक्ट टाइम में क्लॉट नहीं हो सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन के इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस विटामिन कॉल्ड दिस प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, है ना? ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये लीवर बनाता है, लीवर, और इट कैन नॉट बी मेड विदाउट विटामिन के। बिना विटामिन के ये बन नहीं सकता है ना? तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कैसे फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन, तो ये आपको बाय हार्ट करना है और फिर इनके नाम बाय हार्ट करने हैं। दूसरा नाम भी आपको अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप दूसरा नाम भी याद रखिए। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, 3 नाम हैं, इसका भी दूसरा नाम है, इसके भी दूसरे नाम है, तो आप ये नाम याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को. थैंक यू सो मच.